परिवार वालों ने वही मंदिर में लड़ते हुए झगड़ते हुए कह दिया, आज से हम तुम्हारे लिए मर गए। हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप से कृपा कर, मेरे प्रियजनों, भारत के हिंदू अगर अपनी जात पात का नाता तोड़कर हिंदू एक हो जावे तो भारत को विश्व गुरु 5 साल में बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आप कहो तो मैं मौत को ही मार दूं, ना मौत रहेगी ना लक्ष्मण जी का कुछ बिगड़ेगा। अच्छा, वैसे ही हनुमान जी की कहानियां सुन रखी थी अयोध्या वालों ने कि खतरनाक हैं, बड़े बड़े राक्षस मार दिए, पूंछ और ज्यादा खतरनाक है अयोध्या। हनुमान जी महाराज करते क्या क्या है आज का प्रश्न, हनुमान जी महाराज करते क्या क्या है, हनुमान जी महाराज क्या करवा सकते। अरे भैया, क्या करवा सकते ये मत पूछो, क्या नहीं कर सकते ये पूछो। किष्किंधा कांड में आया, कवन सुकाज कठिन जग माही, और जो नहीं हो ही तार तो हनुमान जी तो सब कुछ कर सकते, लेकिन 5 काम हनुमान जी के, श्री हनुमान जी महाराज के हमने निकाले हैं जो हनुमान जी महाराज बहुत ही चतुरता के साथ करते। पहला काम हनुमान जी का है भगवान से भक्त को मिलाना, और भक्त से भगवान को मिलाना। ये पहला काम हनुमान जी का किसके साथ किया, सुग्रीव जी को राम जी से मिलाया, विभीषण जी को भी राम जी से मिलाया। यह हनुमान जी का पहला काम है, क्या करते हैं, तुम रो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सर जग जाना। प्रिय श्रोताओ, हनुमान जी के वो 5 कार्य कौन से हैं जो हनुमान जी करते। पहला कार्य भक्त को भगवान से मिलाना और भगवान को भक्त से मिलाना। अब दूसरा काम क्या है, दूसरा कार्य बड़ा प्यारा, भक्त की खबर भगवान को देना और भगवान की खबर अपने भक्त को देना। कोई मंत्री, बहुत बड़ा मंत्री हो या सीएम मानो, मुख्यमंत्री के आसपास जो ओएसडी, उनके खाना बनाने वाले, सिक्योरिटी वाले, सलाहकार रहते हैं, अगर अपनी उनसे ठीक ठाक जान पहचान हो जाए, वो अगर मुख्यमंत्री के कान में कह दें कि ये आदमी ठीक ठाक है, पार्टी की वोट बैंक बढ़ सकती है, तो मुख्यमंत्री डिनर पे तुरंत दूसरे दिन बुलवा लेगा। हाँ जी या ना जी, बोलो। अरे बोलो, हाँ जी या ना जी। तो अगर कोई सलाहकार सपोर्ट लगा दे तो सामान्य से साधारण से कार्यकर्ता के नंबर बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार हनुमान जी हैं रघुनाथ जी के यहां पर सलाहकार, उनके ओएसडी, उनके पीएसओ। अब भैया, हनुमान जी से अगर तुम्हारी सेटिंग हो जाएगी तो वो राम जी से तुम्हारी चैटिंग करवा देंगे। ये हनुमान जी का काम, क्यों, वो कह देंगे कैसा भी है, आप ही का है, थोड़ा हाथ रख दो और रघुनाथ जी इतने में ही प्रसन्न हो जाएंगे। ये दूसरा काम हनुमान जी का है, भक्त की खबर भगवान को देना, भगवान की खबर भक्त को देना। ये कहां पर प्रयोग किया, भरत जी महाराज, आहा 14 वर्ष वनवास हो गया, प्राणों को त्याग करने के लिए श्री भरत जी महाराज आतुर हो गए, और धन्य है भरत जैसा भाई कहां हो सकता। क्या अद्भुत प्रण श्री भरत जी का, भैया राम जी का धर्म सामान्य धर्म है, लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म है, लेकिन भरत जी का धर्म तो विशेष तत् धर्म है। भरत जैसा भाई नहीं हो सकता, भरत जैसा भैया नहीं हो सकता। मेरे प्रियजनों, यह वो भूमि है जहां महाभारत जैसा समर हुआ, ये वो भूमि है जहां भगवान श्री युगल सरकार के मुखारविंद से, उनकी वाणी से श्रीमद् भगवद गीता प्रकट हुई है। गीत को गाने वाले गोविंद ने यहां पर गीता सुनाई है। पर कुरुक्षेत्र में रहने वाले प्रियजनों, बुरा ना मानना,
आज वर्तमान में सबसे ज्यादा घरों की दुर्दशा है तो घर घर में भाई भाई की नहीं बन गई। हम लोग महाभारत की चर्चा करते, सच तो यह है वर्तमान में हिंदुओं को आपस में ही महाभारत मची हुई है। बुरा ना मानना, कथा तो हमें सुनानी ही है, पर एक संदेश देते हुए कथा को बढ़ाएंगे। मेरे प्रियजनों, भारत के हिंदू अगर अपनी जात पात का नाता तोड़कर हिंदू एक हो जावे तो भारत को विश्व गुरु 5 साल में बनने से कोई नहीं रोक सकता। लोग हमसे कहते रामचरितमानस की क्या आवश्यकता, कथाओं की क्या आवश्यकता, ठटरी के भरे। पर लोग हमसे कहते रामचरितमानस की क्या आवश्यकता, कथाओं की क्या आवश्यकता, ठटरी के भरे। फिल्मों की क्या आवश्यकता, फिल्मों पर कभी उंगली नहीं उठाएंगे, इन महात्माओं पे उंगली उठाएं। अरे बाबा तो ऐसे होते हैं, बाबा तो पैसा कमाने वाले होते हैं। नकटा ठटरी के भरे, जो फूहड़ता करते हैं डांस करके तुम्हारे बेटा और बेटी तो को बिगाड़ते हैं, और वो करोड़ों कमाकर विदेशों में जब अपनी जायदाद रख सकते हैं तो महात्मा 10 रुपया दान लेकर के तुम्हें भंडारा नहीं करवा सकते हैं? तब तुम्हारा पेट जलता है, तब तुम्हें लगने लगता है कि महात्मा पैसा कमाते हैं, महात्मा धन कमाते हैं। न कटा, कभी तुमने उनसे पूछा जो मुंबई में रहते करोड़ों कमा करके और विदेशों में जा करके नच नारियों के ऊपर पैसा उड़ाते हैं? तब तो तुम्हारा मुंह बंद हो गया, महात्माओं पर उंगली उठा देते। भैया बुरा ना मानना, हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, भरत जी जैसा भाई हो नहीं सकता है। धन्य एक आज के भाई जो दूसरे की संपत्ति लेना चाहते, एक भरत जैसा भाई अपने भाई के लिए राजपाट को छोड़ दिया। तो हनुमान जी का दूसरा काम, भक्त की खबर भगवान को देना, भगवान की खबर भक्त को देना। भरत जी महाराज जब अपने प्राणों को त्याज करने के लिए आतुर हुए, हनुमान जी पहुंच गए। क्यों प्राण त्याग रहे हो भैया? 14 साल पूरे हो गए। हमारा प्रण था कि रघुनाथ जी से वचन था, चित्रकूट में भी कहा था, भैया 14 वर्ष से एक दिन भी अगर अतिरिक्त हो जाएगा तो सांझ होने के बाद में तुम अपने भाई भरत का मुंह नहीं देख पाओगे। आज 14 साल पूरे हो गए, कोई खबर नहीं है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। हनुमान जी खिलखिला करके बोले, भैया आप चिंता मत करो, प्रभु श्री रघुनाथ जी लंका के राजा रावण का वध करके धर्म ध्वजा को विदेशी धरती पर फहरा कर लक्ष्मण सहित साकुशल माता जानकी जी के सहित वनवास का पूर्ण काल करके अयोध्या आ रहे हैं। भरत जी ने गले से लगा लिया। धन्य है, धन्य हो, धन्य हो, कौन हो आप? जब परिचय पाया पहचान गए, जय हो हनुमान जी महाराज। बोल वीर बजरंग बली की, बागेश्वर हनुमान जी महाराज की जय। यह हनुमान जी का दूसरा काम है। अब हनुमान जी की 5 कार्य करने में तीसरा कार्य क्या है? तीसरा काम भी हनुमान जी का बड़ा प्यारा, साधु संतों की रक्षा दृढ़ता पूर्वक करना हनुमान जी का तीसरा काम है। वैसे ये बात हमको नहीं बोलनी चाहिए पर बोल देते हैं, संसार में जब सिक्योरिटी की दिक्कत होती है तो गार्ड मिलते हैं, लेकिन सच बताएं संतों के पास में एक ऑलरेडी गार्ड ही है, हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज जैसा रक्षक कौन हो सकता? हनुमान जी हैं संतों के रक्षक, राक्षसों के हैं भक्षक, यही हनुमान जी का तीसरा कार्य है। इसका वर्णन भी हनुमान चालीसा में आया, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन जी संतों के रक्षक हैं। एक घटना हमें याद है, महाराज जी हमारे
बुंदेलखंड के पास में उत्तर प्रदेश की सीमा पर लगा हुआ एक जिला है झांसी। झांसी के नजदीक की एक घटना है हमारे दादा गुरुजी के काल के समय की। एक साधारण सा गांव में रहने वाला एक बालक हनुमान जी का परम भक्त था। उसकी हनुमान जी से बड़ी प्रीति थी, पर परिवार वालों ने ताना दे दे करके उसे नौकरी के लिए प्रेरित किया, तो वो रेलवे में पायलट बन गया। पर हनुमान जी की भक्ति सेवा वो छोड़े ना, तो महीना भर में 10-12 दिन तो गायब ही रहे। गांव के जंगल में एक हनुमान जी का स्थान था, वो रोज हनुमान जी के दर्शन करने जाता था। बिल्कुल सत्य घटना बता रहे हैं। एक बार उसका मन हनुमान जी की पूजा में सेवा में इतना लग गया कि वो 2-3 दिन तक घर ही नहीं आया। घर वाले परेशान हो गए, घर वालों ने जाकर खूब डांटा, मंदिर गए, बड़ा पुजारी बना, बड़ा महात्मा बना, नाम था उसका पवन। ठाकुर जाति से थे, तो पवन नाम का बालक माता पिता परिवार जन की उलाहना सुनने के बाद भी नहीं उठा। तो परिवार जन हमारे दादा गुरु जी के पास आए। दादा गुरु जी ने कहा, देखो भाई, भक्ति में किसी का मन लगता हो तो रोकना नहीं चाहिए, अपराध होता है, करने दो। घर वाले बोले, नहीं महाराज, ऐसा कोई तंत्र मंत्र जंत्री बना दो कि वो जो है थोड़ा नौकरी पर ध्यान देवे, परिवार है। पर भैया, जो हनुमान जी की नौकरी कर लेता है उसे दुनिया की नौकरी गुलामी नजर आती है। वो नहीं माना, अंत तो गत्ता परिवार वालों ने वही मंदिर में लड़ते हुए झगड़ते हुए कह दिया, आज से हम तुम्हारे लिए मर गए, जाकर नौकरी का इस्तीफा दे दो, सरकार की वेतन मत खाओ फ्री में। तो 3 दिन से तो वो गया ही नहीं था। वो स्टेशन मास्टर के पास कागज में इस्तीफा लेकर गया और स्टेशन मास्टर को इस्तीफा देते हुए कहा, हमें क्षमा करना, हम 3 दिन तक आ नहीं पाए और अब हम नौकरी करने की सामर्थ्यता में नहीं है, हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। तो स्टेशन मास्टर नीचे से ऊपर तक देखने लगा, क्या बात है, आप हमें इस तरह क्यों देख रहे। स्टेशन मास्टर बोला, तुम पागल हो क्या, तुम्हारी बुद्धि ठीक है, तुम दिमाग का इलाज कराओ, कौन कहता है कि तुम 3 दिन नहीं आए, ये रजिस्टर चेक करो, तुम रोज रेलगाड़ी लेकर के जा रहे हो, रोज अपना टाइम पर हस्ताक्षर कर रहे हो, ये प्रमाण है, और तुम कहते कि जो है हम 3 दिन से नहीं आए। तो पवन पुजारी ने कहा कि जरा रजिस्टर दिखाओ, रजिस्टर देखा तो उसके ही हस्ताक्षर बने हुए थे। अब तो और उसकी आंखों में आंसू आ गए। स्टेशन मास्टर ने कहा कि क्यों रो रहे, तब तो बोला, अब तो आप अभी हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। बोले क्यों, बोले हमारे कारण हमारे बालाजी को परेशान होना पड़ रहा है। इस कलिकाल में भी हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप से कृपा करते हैं संतों के ऊपर। इसलिए भैया, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखा है, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकल सोरे निकंदन राम दुलार। श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, बोलो हाथ उठाकर गाओ, जय राम, श्री राम जय राम।
कथा से सिद्ध होता हनुमान जी तीसरा कार्य संतों की रक्षा करते हैं। बोलो जय बजरंगबली। अब हनुमान जी का चौथा काम क्या है? चौथा कार्य है हनुमान जी का दानवों का संहार, मानवों का उद्धार। राक्षसों को तो मारते हैं पर मनुष्यों को राम जी से मिलाते हैं। बोलो जय सियाराम। जोर से बोलो। अच्छा, हनुमान जी का पांचवा कार्य क्या है? हनुमान जी का पांचवा कार्य है रघुनाथ जी की सेवा करना। किसकी सेवा करना? जोर से बोलो ना, राम जी की सेवा करना। हमारी मति अनुसार यह हनुमान जी के पांच प्रमुख कार्य हैं। अयोध्या के राजा जब श्री राम जी बन गए, आहा, राजपीठ पर विराजमान हो गए, श्री हनुमान जी महाराज अयोध्या में राम जी की सेवा में बैठ गए। पर हनुमान जी बैठे तो बाकी लोगों की दम ही ना पड़े नजदीक जाने की। अच्छा, वैसे ही हनुमान जी की कहानियां सुन रखी थी अयोध्या वालों ने कि खतरनाक हैं, बड़े बड़े राक्षस मार दिए, पूंछ और ज्यादा खतरनाक है। अयोध्या वाले हनुमान जी के चक्कर में राम जी के नजदीक ही नहीं आ पाए। अयोध्या वाले हैरान। अयोध्या वालों ने एक दिन साठ गांठ बैठाई, क्या करें? बोले सबकी विदा हो गई, विभीषण जी की विदा हो गई, अंगद जी की विदा हो गई, जामवंती जी की भी विदा हो गई, एक जय भाई साहब रह गए। तो सब लोगों ने राम जी से प्रार्थना की कि आपने सबको कुछ ना कुछ दे दिया, विदा कर दिया, इन्हें और दो, हनुमान जी को और दो, इन्हें और जाने दो, इन्हें भी जाने दो घर। राम जी बोले इनका कोई घर हो तो जाए, इनका कोई घर ही नहीं है, अब ये जाएंगे कहां? तो अयोध्या वाले बोले जहां जाना होगा सो जाना होगा, आप कम से कम कुछ दे तो दो। सबको दिया, विभीषण को राजा बनाया, अंगद को आपने युवराज बनाया, सुग्रीव को राजा बनाया, हनुमान जी को आज तक कुछ नहीं दिया, कुछ दो। अयोध्या वालों को लगा कि ये उपाय ठीक है, इस चक्कर में कुछ मिलेगा तो चले जाएंगे। राम जी ने कहा वैसे तो कहना नहीं चाहिए पर क्या करें, किसी और से कहलवा। जानकी माता से कहा आप ही कहो। जानकी माता बोली हम नहीं कह सकते। क्यों? हमारे ऊपर कर्जा है हनुमान जी का। कौन सा कर्जा? बोले जब हम लंका में अशोक वाटिका में बैठे बैठे रो रहे थे, गगन देखियत गगन, जब हम अंबर की तरफ नभ की तरफ देख रहे थे कि हमें कोई अंगारा मिल जाए, हम अपने प्राणों को त्याग दें, उसी समय हनुमान जी ने आकर के हमारे संताप को मिटाया था, इसलिए हमारे ऊपर कर्जा है हनुमान जी का, हम नहीं बोल सकते। बोलो जय सियाराम। अब कौन बोलेगा? भरत जी से कहा आप बोलो, आप सीधे साधे हो, आप सही हो, आपकी ज्यादा मिला भेंट भी नहीं है, कम है, यही दो एक दो बार मिले, आप बोलो। भरत जी बोले हम भी नहीं कह सकते। क्यों? बोले हम पर भी कर्जा है हनुमान जी का, जब हम अपने प्राण त्याग रहे थे तब हनुमान जी ने ही आकर बताया था कि राम जी वापस आ गए, तो हम पर भी कर्जा है। लक्ष्मण जी से कहा आप बोलो। लक्ष्मण जी बोले हम भी नहीं बोल सकते। क्यों? हम पर भी कर्जा है आपका, के आपके ऊपर क्या कर, आपका क्या कर्जा है? बोले हनुमान जी का ये कर्जा है कि जब हमें शक्ति बाण लगा था तब इन्हीं संजीवनी बूटी लाकर हमारे प्राण बचाए थे, हम तो नहीं बोल सकते। जय सियाराम। और सब लोग मिलकर शत्रुघ्न जी के पास गए, बोले सबका कर्जा है, इनका नहीं है, ये एकदम फ्री है, इनका कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, ये कुछ करते ही नहीं। शत्रुघ्न जी आप बोलो कि कुछ मांग लो और जाओ। शत्रुघ्न जी बोले पूरी रामायण में हम कहीं बोले हैं, पूरी रामचरितमानस में हम कहीं बोले हो तो बताओ, और जब पूरी रामायण में नहीं बोले तो अब बाद में काहे को बोले, जब हम पहले नहीं बोले अब काहे को बोले। सब लोग बोले क्या किया जाए, राम जी से ही कहा आप ही बोलो। राम जी भी बोले भरत भाई कपि से उरिन हम नहु, भरत भाई कपि से उरिन हम नहु, हम भी नहीं बोल सकते, हमारे ऊपर कर्जा है। शक्ति बाण लगो लक्ष्मण को,
दीवान लगो लक्ष्मण। जब शक्तिवान लक्ष्मण को लगा था, जब हम रो रहे थे, तो जब कोई उपाय नहीं मिल रहा था, और सुसेन वैद ने कहा सूर्योदय के पूर्व में अगर कोई संजीवनी बूटी को लेकर के आ जाए, कोई संजीवनी बूटी लेकर आवे, तभी लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं। कौन जाएगा जब कोई जाने को तैयार नहीं भरत भाई? तब हनुमान जी ने ही कहा था, हे प्रभु श्री राम, आप कहो तो मैं मौत को ही मार दूं, ना मौत रहेगी ना लक्ष्मण जी का कुछ बिगड़ेगा। आप कहो तो सूर्य भगवान को उगने ही ना दूं। एक बार बचपन में ब्रेकफास्ट में खाया था, अब डिनर में खा लेते, झंझट खत्म, निकलेंगे ही नहीं ना झंझट होगा। इसलिए भरत भाई, कपि से उरी ने हमरा क्या किया जाए, फिर भी तुम कहते हो, सब लोग कहते हैं तो हम कहते हैं, हनुमान जी 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 जी, जी सरकार इधर आओ इधर। हाँ जी जी सरकार। हनुमान जी, सबने सब कुछ मांगा हमसे, विभीषण को मिला, सुग्रीव को मिला, अंगद को मिला, और जामवंत जी को भी वरदान मिला, आशीर्वाद मिला, जामवंत जी ने भी मांगा, पर आपको हमने कुछ नहीं दिया, आप कुछ मांगो। हनुमान जी बोले, अब क्या चाहिए? नहीं नहीं नहीं, फिर भी कुछ मांगो। नहीं नहीं कुछ नहीं, नहीं फिर भी मांगो। हनुमान जी बोले, सरकार एक बात बताओ, हम आपके प्रिय हैं या नहीं? हाँ बहुत प्रिय। हनुमान जी बोले, पर हमें एक वरदान नहीं दो वरदान दिए जाए। अयोध्या वाले बोले, दे दो दे दो दे दो, कम से कम झंझट तो खत्म होगा, जाएंगे तो दे दो दे दो दे दो। लक्ष्मण जी बोले, दे दो, हाँ दो मांगो। हनुमान जी बोले, सरकार आपके ये जो दोनों पद कमल हैं, इनकी सेवा ही हमें जन्म जन्म तक प्राप्त हो गए, ऐसा आशीर्वाद। अयोध्या वालों को गश्त आ गया, दिमाग खराब हो गया, लोग पूछने लगे क्या हुआ। बोले, अभी तो यही आशा थी कि ये कभी ना कभी तो जाएंगे, अब तो रजिस्टर्ड ही हो गए कि अब भाई साहब जाने वाले नहीं है। पर क्या किया जाए, क्या उपाय है कि हम लोगों को भी सेवा मिल जाए? तो जानकी माता को समझाया, तब जानकी माता जी ने हनुमान जी की सेवा में ड्यूटी लगाई। एक काम करो, तुम दिन ना रात रघुनाथ जी के आगे पीछे चलते रहते हो, बेटा तुम कोई और सेवा देख लो। माँ क्या सेवा करें, अब और तो कोई सेवा नहीं है। एक काम करो, भगवान को जब जमुहाई आवे चुटकी बजाया करो, चुटकी, जमुहाई के बाद में चुटकी बजाते ना, चुटकी बजाने की सेवा, ये ठीक है। अब चुटकी बजाने की सेवा मिली, अच्छा अब हनुमान जी महाराज चुटकी बजाने के लिए तैयार बैठे। अच्छा जमुहाई का कोई ठिकाना थोड़ी है, कब आवे, वो तो कभी भी आ सकती है। जहां भगवान मुंह इस तरफ करें सो हनुमान जी उछल करके उस तरफ जावे, सो चार पांच लोग चप जावे, इस तरफ मुंह करें सो उस तरफ हनुमान जी उछल के, सो पांच दस और चप जावे, चिपट जावे। हनुमान जी की ये दशा देख के अयोध्या वाले बोले, इससे अच्छा तो पहले ही ठीक थे, कम से कम एक जगह तो बैठे थे, घायल तो नहीं कर रहे थे, अब तो घायल कर रहे हैं। रात हुई, रात के समय, रात के समय रघुनाथ जी जब सेवा में चले, रघुनाथ जी शयन में चले गए, हनुमान जी ने सोचा कहीं रात को अगर जमुहाई आएगी तो कैसे पता लगेगा। तो भवन के ऊपर हनुमान जी बैठ गए, एक काम किया, बोले क्या करें। हनुमान जी लगातार चुटकी बजाने लगे कि कभी अगर जमुहाई आएगी तो अपने आप सेवा एडजस्ट हो जाएगी। बोलो जय सियाराम, और दोनों हाथों से चुटकी बजाते हुए कह रहे, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। इधर प्रातः काल हुई, राम जी रघुनाथ, श्री रघुनाथ जी उठे और देखा, मन ही मन में प्रेरणा लगी कि हनुमान जी तो लगातार सेवा में चुटकी बजा रहे, हमारा भक्त चुटकी बजाए और हमें जमुहाई आ नहीं रही। सो हनुमान जी की चुटकी की सेवा देखकर
राम जी ने मुंह खोल लिया। अब एक मिनट दो मिनट हो तो ठीक है, पांच मिनट दस मिनट हो गए, रघुनाथ जी मुंह बंद ही ना करें, उधर हनुमान जी चुटकी बंद ना करें। जानकी जी ने देखा दस मिनट हो गए, क्या गड़बड़ हो गई, कोई बीमारी तो नहीं हो गई। सबको बुलाया, आ जाओ प्रभु का मुंह खुला हुआ है, कोई बीमारी हो गई, लगता है कोई बीमारी हो गई। अब सब आ गए लेकिन रघुनाथ जी बैठे, उधर ऊपर हनुमान जी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। गुरु जी को बुलाया गया, क्या बात है सरकार, मुंह बंद ही नहीं कर रहे प्रभु, मुंह खोले बैठे हैं, लगता है कोई बीमारी हो गई। गुरु तो गुरु होते हैं, गुरु जी ने कहा सब लोग दिख रहे, हनुमान जी कहां? ढूंढवाया गया, हनुमान जी ऊपर पता ऊपर भवन के ऊपर बैठे थे। बुलाया, अरे पता है तुम्हें रघुनाथ जी को कोई बीमारी हो गई। हनुमान जी भागे भागे गए और देखा प्रभु मुंह बाए बैठे हैं, ये जमुहाई तो नहीं है, कुछ और है। तो हनुमान जी ने जैसे ही चुटकी बजाना बंद किया, भगवान ने अपना मुंह बंद कर लिया। सब लोग बोले ये बीमारी लगी थी, हनुमान जी के नाम की बीमारी लगी थी। इसलिए हनुमान जी का पांचवा कार्य क्या है मेरे प्रियजनों, हमारी मति के अनुसार हनुमान जी का पांचवा कार्य है राम काज करना। राम काज कर वे को आत्म, हनुमान जी का ये पांचवा कार्य है प्रभु की सेवा करना। इन पांच कार्यों से हमें भी शिक्षा लेनी है कि हम लोग हनुमान जी को तो मानते हैं, हनुमान जी की नहीं मानते। हनुमान जी अपने बल से ये पांच कार्य करते हैं, हम लोगों को भी अपनी सामर्थ्यता अनुसार इन पद चिन्हों पर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। यही हनुमान जी की कथा का सार है। बोलो जय सियाराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो, इसलिए चौपाई बड़ी प्यारी।